पर्सनालिटी क्या होती है, क्या मतलब है जब हम बोलते हैं कि यार उस एक्स पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या वाई पर्सन की पर्सनालिटी इज नॉट दैट गुड. हाउ डू यू जज, हाउ डू वी जज कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है और किसी की अच्छी नहीं है? ये उसके रिस्पॉन्सेस से पता चलता है. अगर किसी व्यक्ति से हमने बात करी और बात करते हुए हमें ऐसा लगा यार ये जो एक्स एक्स पर्सन है ही इज वेरी स्टेबल एंड ही टॉक्स इन अ मैनर विच इज वेरी सूदिंग विच इज वेरी टोन्ड इन अ मैनर एंड आपको वो उतना ही बोल रहा है जितने की जरूरत है, द पर्सन इज नॉट लाइंग, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ दैट पर्सन इज गुड इन पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है. और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति आपको इम्पेशेंस दिखाए, एंगर दिखाए या आपको आपको बातों को इंटरप्ट करे, तो इस टाइप के जो बिहेवियर्स होते हैं वो कह दे उसी से हम जज कर लेते हैं कि भाई ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है. तो हम इंटरव्यू के दौरान अपने आप को कैसा, क्योंकि सर इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, तो हम अपने आप को कैसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दैट वी हैव अ वेरी स्टेबल एंड काम एंड वेरी मेच्योर पर्सनैलिटी, क्योंकि उन्हें मेच्योर ऑफिसर्स ही चाहिए. उन्हें ऐसे ऑफिसर्स नहीं चाहिए जो ब्रैश हो, जो एकदम एक्साइट हो जाए जल्दी ही और एकदम एक तरीके से कहते हैं ना जिनके रिस्पॉन्सेज जो हो हेस्टी हो, उन्हें ऐसे ऑफिसर्स नहीं चाहिए. तो हम लोगों को वर्क करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, वो हम कैसे कर सकते हैं? चेक योर रिस्पॉन्सेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपने रिस्पॉन्सेज कैसे चेक करेंगे? जब भी आप अपने मॉक्स देखेंगे, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, यू जज हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग, आर यू रिस्पॉन्डिंग इन एन अप्रोप्रिएट मैनर? अगर आप अप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं देन इट्स वेरी गुड, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जहां आपको लगे अरे नहीं मुझे इस बात को और अच्छे ढंग से कहना चाहिए था, बेहतर कहना चाहिए था, तो देन यू शुड वर्क ऑन दिस. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज वॉइस एंड टोन. वट डू वी मीन बाय वॉइस एंड टोन? जब मैं मॉक इंटरव्यूज भी लेती थी और वैसे भी जब मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, कुछ कैंडिडेट्स इतना धीरे बोलते हैं, इतना धीरे बोलते हैं कि आपको बहुत एफर्ट लगता है ये सुनने के लिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं. या फिर कुछ इतना तेज बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार प्लीज यू नो आई डोंट वांट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेट दस दिस पर्सन बी साइलेंट. तो आपको इन्हीं दोनों एक्सट्रीमिटीज से बचना है. हमारा वॉइस लेवल एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए. हमारी ऐसा नहीं हो कि एग्जाम इंटरव्यूअर को मेहनत लगे सुनने में या उसको लगे कि एकदम मतलब इरिटेट कर रही है वॉइस. तो वी हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस. आपको देखना है कि अगर आप एक टेबल के अक्रॉस बैठते हैं तो आपकी वॉइस पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है इंटरव्यूअर तक, या इसमें आपको मॉक्स हेल्प करते हैं. देन टोन, टोन जैसे कि अगर ये बोला जाए अच्छा ये करोगे, और उसी बात को बोला अच्छा ये करोगे, मतलब समझ रहे हो ना कि आप एक ही बात को दो या तीन तरीके से कह सकते हैं और हर बार आपकी टोन रिफ्लेक्ट होगी. आप उसमें सरकाज्म दिखा सकते हैं, आप उसमें अप्रिसिएशन दिखा सकते हैं. सो यू हैव टू मैनेज योर टोन. कई बार बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरीके से आंसर देते हैं कि इट इट शोज इट रिफ्लेक्ट्स टू मच प्राइड कि अरे हमको तो सब कुछ पता है. या फिर कई कैंडिडेट्स ऐसे रिप्लाई करते हैं, उस टोन में रिप्लाई करते हैं जैसे अरे मुझसे क्या पूछ लिया, आई एम सो बर्डन, मुझसे क्यों पूछ लिया ये सवाल. तो उन टाइप की जो टोन्स होती है उससे हमें बचना चाहिए. हमारी टोन स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबल एकदम आप मैच्योर तरीके से जिस टोन में सवाल आया है और आप अपनी स्टेबल टोन के अंदर उसका रिप्लाई कर रहे हैं.